पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर हैं। बिलावल शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग में शामिल होने भारत आए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत इस बार SCO बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। साल 2013 में बिलावल पहली बार भारत आए थे, लेकिन तब वो सिर्फ एक राजनेता के तौर पर आए थे। बिलावल के भारत दौरे के बीच बिलावल के नाना और भारत के कट्टर विरोधी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो का वो दौर याद आ रहा है जिसमें उन्होंने शिमला समझौता साइन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस समझौते को नहीं माना और हमेशा भारत की पीठ में खंजर घोंपा। दरअसल बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के उस परिवार से आते हैं जिसका भारत से काफी गहरा संबंध रहा है। बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग के 7 महीने बाद जुलाई 1972 में भारत आए थे। उस वक्त बिलावल के नाना जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए थे। उस समय बिलावल की मां और पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भी उनके साथ भारत आई थी। हालांकि उस वक्त बेनजीर भुट्टो की उम्र सिर्फ 19 साल थी। किसी वजह से बेनजीर भुट्टो शिमला नहीं जा पाई थी। जुल्फिकार भुट्टो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ ऐतिहासिक शिमला समझौता के लिए भारत पहुंचे थे। शिमला समझौते को आज भी पाकिस्तान में उस डील के तौर पर देखा जाता है जिसमें मुल्क को भारत के हाथों बेच दिया गया था। हालांकि भारत में भी लोग इस समझौते को लेकर आशंकित थे। 2 जुलाई 1972 को यह समझौता साइन हुआ था। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। इसके अलावा 5 ऐसे बिंदु थे जिन पर दोनों देश रजामंद हुए थे। इनमें से ही एक पॉइंट था अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों तरफ सेनाओं को पीछे किया जाएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से अपनी सेना की वापसी को जम्मू और कश्मीर में LOC के सीमांकन से जोड़ा, लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था। उसका कहना था कि शिमला समझौते में भारत पाकिस्तान सीमा के इन अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले अलग सेक्शन थे, लेकिन भारत अपनी जिद पर अड़ा था और पाकिस्तान को झुकना पड़ा। इस समझौते के मुताबिक LOC की पहचान थटवाल सेक्टर में लिप्पा घाटी जैसी जगहों पर मुश्किल थी। यहाँ सीज फायर लागू होने के बावजूद कुछ चौकियों को बदल दिया गया था। ठाको चक मुद्दे पर पाकिस्तान से कोई भी बातचीत सफल नहीं हो सकी थी। पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर में इस मुख्य हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसका हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस तरफ और दूसरा सीज फायर लाइन के उस तरफ है। शिमला समझौते के मुताबिक इस छोटे से हिस्से को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करने की जरूरत थी। भारत को तो ये मंजूर था, लेकिन पाकिस्तान को ये नागवार था। LOC पर पाकिस्तान ने हमेशा शिमला समझौते का उल्लंघन किया। 1999 में भी उसने यही किया था। एक तरफ तो लाहौर बस सेवा की शुरुआत हुई तो दूसरी ओर कारगिल में भारत की पीठ में खंजर खोपने की तैयारी हो रही थी। ये बताता है कि पाकिस्तान पर क्यों भारत कभी भरोसा नहीं करता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के लिए।